हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग 1-1 फंक्शन, 1-2 फंक्शन और साथ में बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि 1-1 फंक्शन किसको कहते हैं। तो कहा गया कि यह फंक्शन यह फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1-1 आर इंजेक्टिव फंक्शन। कब? इफ़ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। मतलब अगर ए के दो मेंबर डिफरेंट हैं तो उनकी इमेजेज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इसी बात को आप अनदर तरीके से कह सकते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, मतलब एक्स वन एक्स टू की इमेजेस सेम है तो एक्स वन एक्स टू भी सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे। एक फंक्शन यहाँ पे देखिए लिखा गया है एफ फ्रॉम ए टू बी, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। तो देखिए ए के जो डिफरेंट मेंबर हैं उनकी इमेजेज भी क्या है? डिफरेंट। मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन हो जिसमें डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेज क्या हो? डिफरेंट। आप देखिए डेफिनेशन पे मैच कराइए, देखिए एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है ना, तो इसलिए एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के बराबर नहीं है। मतलब अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इनकी इमेजेज भी क्या है? डिफरेंट। ठीक बात है, ऐसे ही आप देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इनकी इमेजेज क्या है? डिफरेंट। और ऐसे ये भी देख सकते हैं डिफरेंट हैं तो इनकी इमेजेज क्या है? डिफरेंट। तो इस टाइप का कोई फंक्शन हो जहाँ पे डोमेन के सभी मेंबर जो हैं डिफरेंट हैं तो उनकी इमेजेज भी क्या है? डिफरेंट। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे 1-1 फंक्शन। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जी फंक्शन है ए टू बी है, ठीक है। 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है या दो एलिमेंट बराबर नहीं है, लेकिन इनकी इमेजेस क्या है? सेम है। मतलब क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, दो की इमेजेस सेम है लेकिन दोनों सेम नहीं है, जबकि सेम होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि यह जो फंक्शन है यह फंक्शन 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट की इमेजेस डिफरेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 डिफरेंट है लेकिन इनकी इमेजेस क्या है? सेम है, जबकि क्या होना चाहिए? डिफरेंट। इसका मतलब है कि ये जो जी फंक्शन है वह 1-1 फंक्शन नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, किसी फंक्शन का 1-1 होना एक मेरिट है, एक अच्छी बात है। और अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो उसको आप कह सकते हैं कि मेनी वन है। तो अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं या मेनी वन फंक्शन है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग शेड्यूल्ड फॉर्म में लेते हैं, एफ आर टू आर है, डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 2x+5, और इसको 1-1 दिखाना है। तो देखिए दो तरीके से दिखा सकते हैं, हम लोग इस डेफिनेशन से चलेंगे, इसी बात को ऐसे कहेंगे। तो ये पहले एज्यूम कर लेंगे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो अगर आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिए हैं तो एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। चलिए देखिए, देखते हैं एफ एक्स वन क्या होगा, 2x1+5। एफ एक्स टू क्या होगा, 2x2+5। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5 कैंसिल एंड 2 कैंसिल, तो एक्स वन बराबर एक्स टू। क्या देख रहे हैं? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आया। इसका मतलब हुआ कि एफ इज 1-1 फंक्शन। तो हम लोग कह पाए कि एफ कैसा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन को फॉलो करें, इसी बात को अनदर तरीके से प्रूव करें, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है। अब हम लोग दिखाएंगे कि एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के बराबर नहीं है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 5 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 2x2+5। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एफ एक्स वन हो गया और नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू हो गया। मतलब क्या कि एक्स वन इज इक्वल एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू था, तो हम लोग दिखा पाए कि एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू है। तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि एफ इज 1-1 फंक्शन। मतलब क्या हुआ, देखिए क्या दिखा पाए कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर एक्स टू है। साथ में अगर आप ऐसे दिखाना चाहें कि अगर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के बराबर नहीं है। इसका मतलब फाइनली हम लोग शो कर पाए कि ये जो फंक्शन है वह 1-1 फंक्शन है। तो हम लोग फ्री हैं या लेकर के कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर के एक्स वन बराबर एक्स टू दिखा दीजिए, या फिर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू लेकर के एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू दिखा दीजिए। तो यह फंक्शन हम लोग शो कर पाए कि यह जो फंक्शन है वह 1-1 फंक्शन है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1-1 फंक्शन क्या होता है और उसका शेड्यूल्ड फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल भी डिस्कस कर। अब हम लोग अंटो फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन देखते हैं
कहा गया कि अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू आर सर्जेक्टिव फंक्शन इफ फॉर एवरी वाई एलिमेंट ऑफ बी देर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले हम लोग समझते हैं। यह कहा गया कि कोई फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइंड है ना, तो उसको वन टू कहेंगे। कब कहेंगे? देखिए b में जितने भी y हैं, मतलब सभी y के लिए a में कम से कम एक x प्रेजेंट होना चाहिए जिसके साथ वह y पेयर बना के f में रह सके या जिस x की वह y इमेज हो। अब यहाँ पे देखिए, पहले ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, b में क्या 5 है ना, अगर यह y है तो इसके लिए देखिए दो दो x प्रेजेंट हैं। कहा गया कि कम से कम एक x होना चाहिए, मतलब क्या कि कम से कम एक इसकी प्री इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे दो दो है तो ये ठीक है। वैसे ही देखिए 6 है ना, 6 की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो ठीक है 6 के लिए भी x प्रेजेंट है, 7 के लिए x प्रेजेंट है। तो यह कहा गया कि b में जितने भी y हैं सबके लिए कम से कम एक x a में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब सभी y की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन को ऑनटू फंक्शन कहेंगे। या आप इस तरीके को, इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि b के जितने भी मेंबर हैं, किसके b के, वह इंगेज्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एग्जांपल है इसमें क्या b के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं, तो ऑब्वियसली है ना, तो कहेंगे कि यह फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है। या आप इस बात को जो लिखा गया इसको समझ लीजिए कि जितने भी वाई हैं उनके लिए कम से कम एक एक्स होना चाहिए, तो ठीक है देखिए इसमें जितने भी वाई हैं उनके लिए कम से कम एक एक्स है। यहाँ देखिए इसके लिए कम से कम एक क्या, दो दो है ना, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तो है। इसके लिए भी कम से कम एक है, इसके लिए भी कम से कम एक है, मतलब बी के सभी मेंबर अगर इंगेज्ड हैं तो ऐसे फंक्शन को ऑनटू फंक्शन कहेंगे। देखिए आप दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं, अगर इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है तो कहेंगे भाई बी है, पूरा बी है ना, और रेंज क्या है तो देख रहे हैं 5, 6, 7 वह भी बी है। अगर किसी फंक्शन का रेंज गिवन कोडोमेन के इक्वल है तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑनटू फंक्शन। इसको आप देखिए दो तरह से बात समझ गए कि बी के सभी मेंबर अगर इंगेज्ड हैं तो वह फंक्शन ऑनटू है, या आप यह कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन सेम है तो वह फंक्शन ऑनटू फंक्शन है। अब टेस्ट करते हैं कि क्या यह दूसरा एग्जांपल इस बात को फॉलो कर रहा है। देखिए 5 ठीक है, दो दो प्री इमेज है ना, 6 की दो दो प्री इमेज है, यह भी इंगेज है, क्या 7 इंगेज्ड है, नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑल वाई इंगेज होने चाहिए वह बात यहाँ पे फेल हो गई, तो इस 7 की वजह से यह फंक्शन ऑनटू नहीं हो पाया। तो गिवन एग्जांपल में जो पहला फंक्शन है वह ऑनटू है और जो दूसरा फंक्शन है वह ऑनटू फंक्शन नहीं है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन ऑनटू नहीं है तो उसको हम लोग कह सकते हैं इनटू फंक्शन है, ठीक है। हालांकि हम लोग इनटू वर्ड थोड़ा कम यूज करते हैं, कहते हैं कि ऑनटू नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे फंक्शन जो ऑनटू नहीं है उसको आप इनटू फंक्शन कह सकते हैं। अब देखिए एक सेट बिल्डर फॉर्म एग्जांपल लिया गया है, एफ आर टू आर है, डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स बराबर 2x+5, ऑनटू दिखाना है। तो देखिए क्या प्रोसेस है, पहले फंक्शन जो है आप उसको लिख लीजिए 2x+5 और एफ एक्स को आप पहले वाई लिखिए 2x+5, ठीक। अब एक्स की वैल्यू आप वाई के टर्म में निकाल लीजिए, ठीक बात है। अब x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाल लिया, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, आप इस बात को देखिए, हालांकि ये बनाना जरूरी नहीं है, हम समझाने के लिए चीज़ों को लिख रहे हैं। तो जैसे यह फंक्शन r टू r है, अब हमको यह देखना है कि इसमें अगर कोई रियल नंबर है, सपोज दैट कोई रियल नंबर 5 है, नंबर तो कितने इसे बहुत से हैं ना, तो अगर हम जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या 5 इंगेज है, तो यहाँ पर रखेंगे 5-5 तो 0, x 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 किससे इंगेज है, 0 से इंगेज है, ठीक। अब हमको यह टेस्ट करना है कि इसमें तो कितने नंबर है भाई, बहुत से नंबर है ना, इसमें सभी रियल नंबर है, इसमें भी सभी रियल नंबर है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हर रियल नंबर इंगेज्ड है किसी न किसी से। तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर y की वैल्यू हम रियल रखेंगे तो क्या x रियल आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि फॉर y एलिमेंट ऑफ r कोडोमेन, मतलब ये जो कोडोमेन के जितने भी रियल नंबर आप रखेंगे, तो देखिए रियल नंबर में से 5 घटेगा, रियल नंबर होगा, मतलब रियल नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल नंबर होगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर आएगा, मतलब हमेशा एक यक्स जो है वह रियल मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी वाई एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज
यक्स एलिमेंट ऑफ आर डोमेन, मतलब हर वाई के लिए हमको इसमें यक्स मिलेगा। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यक्स, क्योंकि यह पूरा रियल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। तो एवरी वाई एलिमेंट ऑफ आर को डोमेन हैज़ यक्स आर डोमेन, कैसा कि जिस वाई यक्स के साथ वह वाई पेयर बना सके, या आप इसी को लिख सकते हैं दैट इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे देखिए फाइव के लिए क्या मिला, जीरो। कैसा जीरो मिला कि जीरो के साथ फाइव पेयर बना सके, या यह जीरो बराबर कितना हो फाइव। या सिंपली आप लिख दीजिए कि जितने भी मेंबर्स वाई हैं इसमें आर को डोमेन में उनकी प्री इमेज है। इसका मतलब है कि क्या देख पा रहे हैं कि इसमें आप कोई भी नंबर लेंगे वह इंगेस्ट हो जाएगा, उसकी कोई ना कोई एक्स की वैल्यू हम लोग को ज़रूर मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई, क्योंकि ये पूरे रियल नंबर इसमें प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब है कि यह जो फंक्शन एफ है, एफ इज आंटो फंक्शन। मतलब क्या देख पाए कि अगर किसी फंक्शन को आंटो दिखाना है तो आप ये देखिए कि को डोमेन के जितने भी वाई हैं क्या वह सभी इंगेस्ट हैं। अगर आंसर मिलता है कि हाँ सभी इंगेस्ट हैं, सबके लिए इसमें एक्स प्रेजेंट है, तो कहेंगे कि वह फंक्शन वनटो है। या फिर देखिए आप फंक्शन का रेंज निकाल लीजिए। रेंज निकालना हम लोग डिस्कस किए हैं, आप हमारे क्लास 11th के लेक्चर देख सकते हैं। रेंज निकाल लीजिए और रेंज को कोडोमेन के बराबर दिखा दीजिए। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो यह फंक्शन वनटो हो जाएगा। तो देखिए आज यह जो डेफिनेशन हम लोग डिस्कस किए कि अनटो फंक्शन क्या है, और साथ में यह जो एग्जाम्पल सेटवल्डर फॉर्म में था यह, और रोस्टर फॉर्म में एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग यह डिस्कस कर पाए कि वनटो फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बायजेक्टिव फंक्शन के बारे में देखेंगे कि बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए कहा गया कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बायजेक्टिव फंक्शन इफ एफ इज वन वन एंड ऑनटो फंक्शन। तो देखिए बायजेक्टिव में कुछ नया नहीं है, अगर कोई फंक्शन सिमल्टेनियसली वन वन भी है और साथ में ऑनटो भी है, मतलब दोनों बातों को फॉलो कर रहा है, वन वन फंक्शन भी है एंड ऑनटो फंक्शन भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं बायजेक्टिव फंक्शन। ठीक बात है, इसका मतलब फंक्शन का वन वन और ऑनटो होना जरूरी है। अगर ये दोनों क्वालिटीज इस फंक्शन के पास है तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे बायजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। यह फंक्शन यह फे टू बी डिफाइंड है ना। देखिए डिफरेंट की इमेजेस डिफरेंट है, आपको वन वन दिख रहा है, और यह भी देख रहे हैं कि जो को डोमेन है उसके सभी मेंबर इंगेज्ड हैं, बी के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं ना। तो इसका मतलब यह फंक्शन वन वन है, साथ में वन टू भी वन वन। क्यों है, क्योंकि डिफरेंट की इमेजेस डिफरेंट हैं, और वन टू क्यों है, क्योंकि बी के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं, या कह सकते रेंज जो है वह को डोमेन के बराबर है। तो यह जो फंक्शन है यह वन वन और वन टू दोनों है, तो इस फंक्शन को हम लोग कह देंगे बायजेक्टिव फंक्शन। हम चाहें तो कहें कि वन वन एंड वन टू फंक्शन, या सिंपली कह दिया बायजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब किसी फंक्शन को अगर आपको बायजेक्टिव दिखाना है तो नया कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको वन वन दिखाना है जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में या डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ऑनटो दिखाना है। और अगर वन वन और ऑनटो दोनों दिखा देते हैं तो वह फंक्शन बायजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन का बायजेक्टिव होना इसका मतलब वन वन और वन टू सिमल्टेनियसली होल्ड करना। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑनटो फंक्शन क्या होता है, और बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसके अगले लेक्चर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और उसमें यह शो करेंगे या टेस्ट करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वन वन ऑनटो या बायजेक्टिव है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।